बात हमें बताइए अपनी प्राणों की बात। अबे जी एक मिनट रुकिए रुकिए, अबे जी एक मिनट, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि निवेशकों की आज सुब्रत रॉय के परिवार पर क्यों है, कारण क्या है? मैं उसी बात पे आ रहा हूं बॉस, मैं उसी बात पे आ रहा हूं कि अगर यह देश में हो सकता है कि जिसको भारत रत्न मिलने की जरूरत हो, आज तक ना मिला हो हिंदुस्तान में, तो ऐसी तमाम परिस्थितियां निर्मित होती हैं। और सहसा विश्वास नहीं होता कि सुब्रत राय ने 12 लाख कर्मचारियों को और अपने द्वारा बनाए गए 13 करोड़ निवेशकों के साथ इतनी बड़ी गद्दारी करी। गद्दारी तो करी, ये भी सच है, ये भी परिस्थितियां निर्मित हमारे आपके बीच में दिखी। आप कितने भी ईमानदार हो आशुतोष जी, आप अपने बचाव में अपनी बात देश की जनता के सामने नहीं रखते हो और देश की जनता आपको किस मामले में बार बार आपकी बताती हो, और वो सच साबित होने की स्थिति में अगर आप गलत हो तो सच साबित हो जाए। आप भूल गए कि 2012 में, 2010 और 12 के बीच में सुब्रत राय के ऊपर आरोप लगते हैं कि देश के निवेशकों का पैसा कूट रचित साजिश करके हड़पा है, सेबी चली जाती है, आरोप प्रस्तुत करती है, कोर्ट जाती है, कोर्ट जवाब मांगता है, जवाब नहीं देते हैं, और अंततः आपको पुलिस खींच करके ले लाती है कोर्ट के आदेश पे, फिर भी आपको समुचित जवाब ना मिल पाने के कारण आपको इतने दिनों तक जेल की यात्रा करनी पड़ती है। फिर आप आते हैं और फिर आप बाहर होते हैं, देश की सुप्रीम कोर्ट आपको ये कहती है कि इन देश के निवेशकों को अपनी संपत्ति बेच करके वापस करो पैसा। आप नहीं बेचते, आप कहते हैं कि इस पैसे का सौदा करने से लाभ का सौदा नहीं है और व्यापारी कभी घाटे का सौदा नहीं करता। 12 लाख कार्यकर्ता और 13 करोड़ बेरोजगार पैसे भुगतान लेने वाले लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं और आप अपने लाभ हानि का सौदा देखते हैं। यह है सुब्रत राय जी, जिनके कहानी पे हमको सहसा विश्वास नहीं होता था, हम सभी लोगों को नहीं होता था, लेकिन परिस्थितियां तो निर्मित हुई और उसके बावजूद भी आशुतोष जी पूरे देश में 12 लाख कार्यकर्ता हैं, 13 करोड़ निवेशक हैं, हम सभी लोगों 2018 की शुरुआत करी है, 2023 लास्ट चल रहा है, हमने जितने भी बड़े कार्यक्रम कर डाले हैं जिसकी संख्या 10,000 से लेकर 15,000, 15,000 से लेकर के 18,000, और सबसे बड़ी पिछली कार्यक्रम को हम जो लोगों ने दिल्ली में किया तो उसकी संख्या 30,000 से 35,000, जिसमें अन्य चिटफंड सोसाइटियों के भी लोग थे। यानी हम मानते हैं कि देश के 99.9 लोग या तो सुब्रत राय के पक्ष में खड़े थे या तो आंदोलन नहीं करना चाहते थे। इनकी संख्या ना आना यह बात दर्शाता है कि एक निश्चित समय तक सुब्रत राय के ऊपर ही लोगों का विश्वास था। और मैं फिर इस बात को कहूंगा कि कहीं ना कहीं सुब्रत राय को मिस गाइड किया गया 2012 के बाद। 2014 से लेकर 17 तक में सुब्रत राय को उन सभी लोगों ने, जो सेकेंड लीड थी, वो सेकेंड लीड ने सुब्रत राय को मिसगाइड किया, लोगों उनको भ्रम में रखा, उनकी खामियों का भरपूर फायदा लिया, उनके बारे में देश ने जो मूल्यांकन किया वो इंटरनल रूप से उसको पूरी तरह से मैं अगर ये कहूं तो एक माहौल निर्मित करके खड़ा कर दिया जिससे सुब्रत राय उससे उबर नहीं पाए, और सुब्रत राय तक एक भी सूचनाएं जो बाहर घटित हो रही थी उस सहारा के विरोध में, सहारा प्रबंधन के टीम के विरोध, वो सुब्रत राय तक नहीं पहुंच पाई और उसको बीच में ही मैनेज किया एक जाता है। ये कौन लोग हैं आप तो निवेशक हैं, आपको किन लोगों पर शंका है कि ये लोग थे जिन्होंने सुब्रत राय को मिसगाइड किया? किसने मिसगाइड किया सुब्रत राय को?
सर मैं कहना चाहता हूँ उसमें मैं कंपनी में चतुर्वेदी जी को क्या बोल रहे हैं, बोलिए चतुर्वेदी जी। मैं कंपनी के साथ 30 साल मैंने काम किया और कंपनी को मैंने एक एक वर्कर को देखा है, और जहां तक हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कह रहे हैं वो बिल्कुल 101% सही कह रहे हैं। इनको मिसगाइड किया तो ओपी श्रीवास्तव जी ने किया, और ओपी श्रीवास्तव की जो टीम थी उसने किया, डीके श्रीवास्तव की टीम थी उन्होंने किया, और कुछ इनके एडवोकेट थे उन्होंने किया। वो ऐसे साबित होता है कि 11 नवंबर 2019 को मैंने फर्स्ट एफआईआर किया था, तो इन्होंने उस एफआईआर का भुगतान था 22 लाख रुपए, और उन्होंने उस भुगतान को लेकर के एफआईआर को लेकर के जोनल चीफ ने 3.5 करोड़ का भुगतान मंगाया, और वो कमीशन बेस पर बांटा गया, और वो भुगतान हमारा 24 घंटे के अंदर कर दिया गया। दूसरी एफआईआर हमने 2020 में की, उसका पेमेंट 15 लाख था, 4 करोड़ भुगतान मंगाया गया, 30% कमीशन पर बांटा गया, और उसका भुगतान 3 दिन के अंदर कर दिया गया। यह प्रमाण साबित करता है कि इनके जो नीचे की टीम थी उन्होंने सुब्रत राय साहब को मिसगाइड किया और नीचे की खबर नहीं दी। और दिसंबर में यह कहा गया कि 10% आपको देंगे, आप इसको कन्वर्जन कर दीजिएगा। सारे हमारे साथियों ने, एडवाइजर ने, एजेंटों ने, और उसको कन्वर्ट किया, और वायदा किया था कि हम 2021 में दिसंबर तक पूरा भुगतान कर देंगे, लेकिन वो सुब्रत राय तक बात को नहीं पहुंचाया गया, और न उन्होंने बताया। बीच के लोगों ने उनको पूरा मिसगाइड किया, और जो बड़े बड़े एडवोकेट हैं उन्होंने कहा आपको कोर्ट में जाने की आवश्यकता नहीं है, हम सब कुछ कर लेंगे, सॉर्ट आउट कर लेंगे। उसका परिणाम ये निकला कि 82 बार बुलाया गया सुप्रीम कोर्ट में 2012 में, तब ये नहीं गए, लास्ट में ये नौबत आ गई, तब इनको जाना पड़ा।